नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका स्टडी डॉट कॉम के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन वाला हो तो फिर उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। यहाँ पे हमारे सामने रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें से एक रूल है सेंटेंस को एसर्टिव बनाना। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, फिर जाके हमको ये सब कुछ समझ में आएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। वर डू यू लीव, ये वर डू यू लीव जो है इसको एसर्टिव बनाना है। अभी पीछे वाले वीडियो में हमने एसर्टिव बनाना सीखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देख के आइए। ओके, तो वर डू यू लीव को अगर आप यहां से बंद कर दें हम इसको, तो बच गया डू यू लीव। अब डू यू लीव का तो एसर्टिव आपको आता है ना, इसको हम लोग कल इसके मतलब पीछे वाले वीडियो में हम लोग बना रहे थे यू लीव, और यहां पे वर है तो हम लिख देते हैं वर यू लीव। ओके, ये असर्टिव बन गया। व्हाई डोंट यू प्ले, इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको अगर बंद करें तो हम लोग क्या बना सकते हैं, यू डोंट प्ले, और यहां पे आ गया हमारा व्हाई। ऐसे ही कुछ असर्टिव बना के और उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। When did he come? तो इसको हम बना सकते हैं when he, और ये did आया मतलब क्या बताया ये हमको, past indefinite है, did आता है तो past indefinite हो गया, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा when he came, क्योंकि past indefinite में verb two होता है। Who killed the bird? अब इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ब खुद assertive है। ओके, Who killed the bird? ओके, Who are you? इसको अगर चेंज करें तो हो जाएगा Who you are? Any problem? Okay. नहीं problem है तो चलो यहां पे आ जाओ, और फिर इसको अगर ऐसा sentence आपके exam में रहे तो फिर कैसे इसको आप tackle कर सकते हो, इसको कैसे बना सकते हो, कैसे इसका indirect speech चेंज कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। नियम है कि सेड या सेड टू अगर होता है तो इसको आस्क्ड में बदलते हैं। पीछे जो नियम था कि अगर कहीं हमारा आता है क्या यस नो क्वेश्चन, अभी तो डब्ल्यू एच है, पीछे था कि अगर यस नो क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग इनवर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगा रहे थे, इफ या वेदर, लेकिन आज इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ओके, चलिए देखिए, ही सेड टू के जगह पे क्या करना है, आस्क्ड, और ये मी का मी लिखना है, इनवर्टेड कॉमा के जगह पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं किया। इसके बाद है वर्ड डू यू लीव, इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको एसर्टिव बनाएंगे, तो वर्ड डू यू लीव का एसर्टिव क्या हम बना रहे थे, वर्ड यू लीव। ओके, तो ये वर्ड और जनरल रूल अप्लाई करना है, तो यू यहां पे समझ लो आप कि यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, तो मी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये डू यू लीव, अभी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इसको जनरल रूल के हिसाब से अगर यहां पे वर्ब पास्ट में हो तो इसको किस टेंस में बदलते हैं, इसको बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में जब बदलोगे तो लीव का वर्ब टू अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि लीव्ड हो जाएगा। क्लियर है? सेम वैसे ही सी सेड टू मी हु आर यू, इसको अगर हम बनाएं तो सी सेड टू के जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, अगर ये कहीं ऐसा होता, ऐसा होता आर यू अ फार्मर, अगर कहीं ऐसा होता तो हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ लगाते, ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी यहां पे रूप कुछ अलग है, अभी ये है कि हु आर यू, अभी चूंकि ये है तो इसलिए हमको क्या करना है, अभी कुछ नहीं लगाना है, यहां सिंपली हु का हु लिख देना है, आर यू को अगर सीधा करते हैं तो हो जाएगा यू आर, और यू सेकेंड पर्सन,
किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के हिसाब से क्या होगा? आई। पर्सन चेंज तो मैंने बहुत पहले बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वीडियो जाके देखिए। ओके, आई और ये आर का अभी चेंज होगा, इज आर एम चेंज होता है वाजवर्ड में, तो यहां हो जाएगा आई वाज। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल देख लो, कहीं हो सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही आस्क्ड हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। ओके, इसको चेंज करना है अभी तो देख, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही आस्क्ड हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। ओके, तो इसको क्या करना है? ओके, कैसे बनाना है इसको, चलिए शुरू करते हैं। अभी ही आस्क्ड दे दिया है तो ये तो बड़ा आसान सा बात है, बहुत अच्छा बात है कि ये आस्क्ड पहले से ही दिया हुआ है। ओके, तो ही आस्क्ड कर देते हैं, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये WH सेंटेंस है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हाउ मेनी टीचर्स, ये इतना हमारा WH है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, हाउ मेनी टीचर्स। ओके, हाउ मेनी टीचर्स, क्लियर। इसके बाद आर देयर इन योर स्कूल, इसको अगर हम सीधा करते हैं आर देयर को तो देयर आर इन योर स्कूल सीधा हो जाएगा। तो सीधा करते हैं अगर ये, तो ये हो जाएगा देयर, और हम जानते हैं कि आर जो है ये तो चेंज ऑफ टेंस होता है ना इसमें, जब यहां पे पास्ट हो तो यहां पे आर का क्या हो जाएगा, वर्ड इन योर कौन पर्सन, कौन सा, सेकेंड पर्सन। ओके, और किसके अनुसार बदलता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, क्या कुछ दिखा नहीं दिखा, ऑब्जेक्ट गायब है यार, ऑब्जेक्ट ही यहां से गायब है, फिर क्या, अब क्या करेंगे? अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा हो, मैं इस एग्जाम्पल को खोज रहा था अभी मिल गया। ओके, तो योर या यू या कुछ भी ऐसा आए सेकेंड पर्सन और यहां से ऑब्जेक्ट हो जाए गायब, फिर क्या करना होता है, फिर हमको खुद से एक ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एक खुद से उसमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग खुद से एक ऑब्जेक्ट लाएंगे, कौन सा, मी। ओके, फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ज्यादातौर पे लोग मी ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो यहां पे मी ऑब्जेक्ट हम लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलेगा और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको चेंज करने के लिए हम यहां मी ऑब्जेक्ट ला रहे हैं। तो हाउ मेनी टीचर्स देयर वर इन योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार हो जाएगा माई स्कूल। ओके, एकदम इजी हो जाएगा, प्रॉब्लम केवल आपका यहां पे हो सकता था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ही सेड को कर देते हैं ही आस्क्ड, एक बार नजर दोहरा लेते हैं तो यू इसमें भी आया हुआ है, ये सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट इसमें गायब है, ऑब्जेक्ट अगर गायब हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं होगा, विच क्लास इसको सीधा करते हैं, डू यू रीड इन को हो जाएगा यू रीड इन। ओके, अब यू जो है ये तो सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, ये हो जाएगा आई। ओके, और वर्ब टू, तो रीड का तो वर्ब टू वही होता है, बस पढ़ते उसको थोड़ा अलग है, इसको पढ़ते हैं बस रीड। ओके, तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ने के लिए अगर हमको कोई बोलता है तो हम इसको पढ़ेंगे, ही सेड विच क्लास डू यू रीड इन, और यहां पे ही आस्क्ड मी विच क्लास आई रीड इन। ओके, कंप्लीट है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद जो है हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का नैरेशन बनाना सीखेंगे, अगर बनाते वक्त कोई मिस्टेक्स हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है,
हो सकता है कोई एरर्स हो जाए. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.